नए कानून को लेकर मोदी सरकार जनता को जागरूक करने में जुटी है, लेकिन उसके अपने नेता ही फैसले का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जहां पहले उत्तर प्रदेश से विरोध के सुर बुलंद हुए, तो वहीं अब पश्चिम बंगाल से भी बीजेपी के ही नेता मोदी सरकार की मुखालफत कर रहे हैं और इस कानून को देश को बांटने वाला करार दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल इकाई के उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस ने अपने बयान से न सिर्फ बीजेपी को आईना दिखाया बल्कि पार्टी में भी खलबली मचा दी। नए कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो लगातार मार्च निकालकर सरकार को कसूरवार ठहरा रही हैं। ममता की इस हुंकार ने तो बीजेपी को परेशान कर ही रखा है कि अब बीजेपी के ही नेता ममता के सुर में सुर मिलाकर अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। बीजेपी के पश्चिम बंगाल इकाई के उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है। उन्होंने नए कानून का नाम लिए बगैर कहा कि राष्ट्र दूसरे विभाजन की तरफ बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज देश बिखर रहा है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन भारत में समुदायों के बीच एकता नहीं है। मोदी सरकार के खिलाफ बोस के तीखे सुर यही शांत नहीं हुए, उन्होंने पीएम मोदी को भी साफ चुनौती दे डाली। चंद्र कुमार बोस ने कहा कि सिर्फ मेरे दादा सुभाष चंद्र बोस की तरह की शख्सियत ही हिंदुस्तान को विघटित होने से बचा सकती है। इसीलिए अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आगे नहीं करते हैं तो देश बिखरेगा और फिर से देश का विभाजन होगा। ये बहुत साफ संदेश है जिसे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहूंगा। बीजेपी नेता का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पहले ही मोदी सरकार नए कानून को लेकर घिरी हुई है। विपक्ष के साथ साथ उसकी पंजाब में सहयोगी शिरोमणि अकाली दल भी उस पर बरस चुकी है, लेकिन अब विरोध के सुर उस राज्य से उठे हैं जहां बीजेपी नए कानून को भुनाकर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। मगर अब तो अपने नेता ही आलाकमान का साथ नहीं देना चाहते। उनके स्टैंड से जहां बीजेपी की धड़कनें तेज होंगी, तो वहीं ममता को बीजेपी को घेरने का मौका मिलेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।